नगर महादेव पारा में दर्जनों बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस पार्टी के बने सदस्य पार्टी की नीतियों पर जताया विश्वास। मेनगर स्थानीय तहसील क्षेत्र के महादेव पारा ग्राम सभा में कांग्रेस पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष निर्मला भारती की अध्यक्षता में मंगलवार को सपा के 2 दर्जन से अधिक बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया और सदस्यता ग्रहण की। साथ ही युवाओं ने राहुल गांधी और प्रियंका दीदी को नए भारत का भविष्य बताया। इस मौके पर निर्मला भारती ने उत्साहित सदों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने देश के सभी वर्गों के उत्थान और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हमेशा ही प्रयत्न किया है, जबकि बाद की सरकारों ने कमजोर और गरीब तबके के उनके हाल पर छोड़ दिया। इस दौरान निर्मला भारती ने पार्टी की नीतियों और 2022 में कांग्रेस सरकार बनने के लिए चर्चा भी की। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री प्रीति शुभम भारती, प्रवीण और सत्ता के रूप में संतोष यादव, पवन कुमार यादव, शिवम सिंह, पंकज यादव, मुकेश यादव, आशीष यादव, प्रद्युम यादव, इंदल यादव, राहुल यादव, विजय यादव, अंकित राजभर, देवेंद्र यादव, अनिल उद्या, गुलाल उद्या आदि उपस्थित रहे। ये ब्लॉक पलना है, ये गांव जो है ग्राम सभा मधुपारा है। मधुपारा से 20 बच्चे आज ज्वाइन किए हैं और इनका कहना है कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम कांग्रेस से जुड़ेंगे। तो हमारे बूथ पे और ग्राम पे और न्याय पे अध्यक्ष हम लोग बनाने का, ज्यादा से लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हर गरीबों को 72,000 साल में दिया जाएगा और वृद्धा को 1,000 पेंशन दिया जाएगा और गन्ने का और बिजली बिल माफ किया जाएगा और बिजली बिल हाफ किया जाएगा, कर्जा माफ किया जाएगा। और ये हमारी दीदी का कहना है।